आशीर्वाद दे। चलो सेल्फी लेते हैं। सही बोल रही है। साफ साफ दे दो, मैं खा लूंगा साफ। वो ले लीजिए ना। अबे ओए क्या ले लीजिए, पागल हो गया क्या तू? ये केक हम इसके लिए लेकर आए हैं भाई, कट करेंगे अभी। तू फालतू में ऐसे अरे गहरे लोगों को देता रहेगा, ऐसे तो बहुत सारे आते रहते हैं। और क्या? अरे वो बेचारा कितने दिनों से शायद भूखा होगा, तभी तो मांग रहा है। केक है, हम और खरीद लेंगे। अरे तो इसकी भूख का ठेका हमने थोड़ी ना ले रखा है, और हम क्यों खरीदेंगे? और खरीदने को तो खरीद ले, पर ये लोग ना होते ही ऐसे हैं। तेरे को पता है गंदी नाली के कीड़े होते हैं ये, इनकी यही औकात होती है। इसके खुद के कर्म खराब है, इसलिए आज इसको खाने को नहीं मिल रहा है। भाई हमारी गलती थोड़ी ना है अगर ये ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहा है। काम धंधा करे, कमाएगा तो खाने को भी मिलेगा ना इसको। भाई छोड़ ना, हम एंजॉय करते हैं ना, क्यों इन फालतू के लोगों में पड़ रहा है। यार तू ना फालतू मूड मत खराब कर, इतनी मुश्किल से तो अब हम लोग मिल पाए हैं इतने टाइम बाद जाके। दे दो साहब, बहुत भूख लग रही है साहब खाने को। अबे जा यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा क्या एक बार में जाने को बोल रहे? चल निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, भीख मंगा कहीं का। निकल। रुको भैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या नवीन है, तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तू फालतू में इस गरीब और भिखारी के चक्कर में पड़ रहा है, अपनी पार्टी को खराब कर रहा है। हाँ यार ठीक बोल रहा है तू, हमेशा कहीं हो गया है इसका, पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्ञान लेके आता है और हमारे ऊपर झाड़ता है। देख सुन, अगर तुझे हमसे दोस्ती रखनी है ना तो अभी की अभी ये केक वापस ले, ये हम लोग इसके लिए लेकर आए थे, है ना? इसका बर्थडे है यार आज, ये भिखारियों को केक बांटता फिर रहा है। अगर ऐसे दोस्त है ना तो नहीं चाहिए मुझे, तुम जैसे दोस्तों से अच्छा है कि मैं अकेला ही रह लूं। बहुत हो गया, अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, घुट रहा हूँ तुम्हारे साथ, खुल के नहीं जी पा रहा मैं। अरे कैसे लोग हो तुम, तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी कि मर गई है? अरे बेचारा कितने दिनों से भूखा होगा वो, तभी तो मांग रहा है। तुम्हारे पास तो है खाने के लिए, तीन टाइम तुम आराम से खा लेते हो, इसलिए तुम्हें कदर नहीं है खाने की। अरे इससे पूछो बेचारे को आखिरी बार कब खाना मिला हुआ पेट भरकर, इससे ही पूछो। वही है ना, जिसके पास जो चीज होती है लोग कभी उसकी वैल्यू नहीं करते, जब नहीं होती तब समझ में आती चीजें। और हाँ एक बार ना अपने पापा जी से जाके पूछना कि वो कितनी मेहनत करते होंगे तब जाकर अपना घर का खर्चा चलाते होंगे। कहाँ ही समझोगे, अमीर बाप के बच्चे जो हो तुम्हें तो सिर्फ पैसा उड़ाना आता है, कमाना नहीं। जिस दिन कमाओगे ना तब समझ में आएगा। दिव्या मैंने तुझे पहले ही बोला था इसको मत बुलाना, ये अपनी फालतू की लेक्चर राजू ना वहाँ झाड़ेगा जरूर, और इसने वही किया है। यार तू ना फालतू में हमें ज्ञान दे रहा है, तू भी अमीर बाप की औलाद है, आई बात समझ में? और हम लोगों की प्रिविलेज है ना कि हम अमीर घर में पैदा हुए, अभी ऊपर वाले ने अगर इसको गरीब बनाया है ना तो कुछ ना इसी के कर्म खराब होंगे, तभी इसे ऐसी जिंदगी मिली है। हम क्यों फालतू में इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसे लोगों के मुंह लगेंगे क्या हम? वो क्या है ना, कितनी बार भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर लूं पर तुम लोग समझते नहीं हो, क्योंकि तुम लोग ना पैसों की वजह से अंधे हो गए हो, तुम्हें अपने सामने कोई दिखाई नहीं देता। और क्या बोली थी तुम कि उसके कर्मों की वजह से आज वो ऐसा है, उसकी परिस्थिति ऐसी है, तुम्हें क्या पता उसके बारे में कि आज वो जो इस हालत में है उसकी वजह क्या है? तुमने तो बस बोल दिया। और हाँ भाई तेरा बर्थडे है तो बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर कि ताकि तेरी वजह से ना और लोगों को थोड़ी खुशियाँ मिले, खुशियाँ बांट बांट, ऐसे नहीं अन्न का अपमान करके। किसान इतने दिन मेहनत करके खेतों में अन्न को उगाता है और तुम लोग क्या करते हो, तुम ऐसे बिगाड़ते हो। जब तरसोगे ना एक एक अन्न के लिए तब पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। दो मिनट में पूरा केक बिगाड़ दिया, अगर ये केक लेके तुम किसी गरीबों के पास जाते ना तो पता है कितनी खुशियां देता, दिल से दुआ देता तुम्हें। कहां समझोगे अमीर बाप की औलाद जो हो ना तुम। नवीन प्लीज ऐसे बात मत कर, हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी दोस्ती खराब हो। मैं समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाह रहा है, वो क्या है ना कि आजकल ना फन करने का तरीका ही बदल गया है, ट्रेंड में था इसलिए मैं भी केक ले आई, पूरा का पूरा उसके मुंह पे मार दिया, एक बारी भी नहीं सोचा कि एक तरफ हम केक खराब कर रहे हैं और दूसरी तरफ पता नहीं कितने लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा होगा। भाई माफ कर दे, अगर हमें इतना पता होता ना कि ये केक बिगड़ रहा है, इससे अच्छा तो इस बेचारे की भूख मिट जाती इससे। अच्छा हुआ तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। भैया आप पर कोई काम नहीं है ना, मेरी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब खाली है, मैं आपको वो दिला दूंगा। ऐसा करते हैं अब चलो साथ में मिलके सब केक काटते हैं, है ना भी? हाँ भाई आइडिया अच्छा है। हाँ, चल। और उसके बाद में ना कुछ खाने भी चलेंगे। सही बोल रही है दिव्या तू, चलो भाई।